Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for this particular profile of ESIC Deputy Director. आपको बताया कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, दैट इज 17th of July, और आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है. बट स्टिल, इफ़ यू प्लान इट प्रॉपरली, अगर आपने अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई हो, या अगर आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, सो आई एम वेरी श्योर डेट यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको 25 days स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ. आज 22 June है और अप्रॉक्सीमेटली 25 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है. ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि 25 दिन में आपको किस तरीके से अपनी पेपर की तैयारी करनी है, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाएं, मैक्सिमम आउटपुट दे पाएं इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन. तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक मेरी बहुत ही फेवरेट कोट है जो पाब्लो पिकासो जी ने दिया था, वेरी फेमस पर्सन. आर गोल कैन ओनली बी रीच थ्रू द व्हीकल ऑफ अ प्लान, देयर इज नो अदर रूट टू सक्सेस. अब हर बार क्या होता है कि जब भी इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में आप तैयारी कर रहे होते हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे वो RBI हो, SEBI हो, NABARD हो, UPSC हो, ESIC हो, UGC NET हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और एक कॉमन चीज़ क्या है, दैट इज प्लानिंग इज परवासिव. हर जगह पे आपको स्ट्रैटेजी बनाना और प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर अब आप पैनिक करके रैंडमली कुछ भी पढ़ना शुरू कर दोगे कि ठीक है आज मैं मार्केटिंग पढ़ लेता हूँ, कल मैं HRM पढ़ लेता हूँ, तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला, बिकॉज आपने कुछ भी सिस्टमैटिकली नहीं कर रखा है, आपने कुछ भी स्ट्रैटेजाइज नहीं कर रखा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो अ प्लान. मैं ये नहीं कहता कि आप यही प्लान फॉलो करिए, अगर आपको ये सूटेबल लगता है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको कोई और स्ट्रैटेजी बेटर लगती है यू कैन फॉलो दैट, बट एटलीस्ट फॉलो अ प्लान, एटलीस्ट फॉलो अ स्ट्रैटेजी. ठीक है, सो आप पहले स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं. अब सबसे पहले मैंने जो स्ट्रैटेजी क्रिएट करी है, मैंने दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करी है. एक वो स्टूडेंट्स हैं हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब या तो उन्होंने MCOM करी हुई है या BCOM करी हुई है या BBA करी हुई है, क्योंकि उनको एक फेयर आइडिया होगा कुछ कॉमर्स और मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स का. सेकेंड सेक्शन ऑफ द स्ट्रैटेजी है दैट डील्स विद दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. ठीक है, मतलब आर्ट्स से बिलोंग करते हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. तो सबसे पहले कॉमर्स वालों के लिए बात कर लेते हैं. अब कॉमर्स वालों को करना क्या है, उनको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जिसमें से वेटेज ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है. तो मैंने एक और वीडियो बनाई थी, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, हमारे अनुज जिंदल चैनल पे, दैट इज व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर एग्जाम. ये वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर के सेक्शन में भी पड़ी हुई है और YouTube पे भी अवेलेबल है, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा. उस वीडियो में मैंने बहुत स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर मैंने ये बताया है कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की उम्मीद है, एंड दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस. अब आप ध्यान से अगर आपने नोट किया हो तो आपने क्या रियलाइज किया होगा कि न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, जो कि सेक्शन बी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, एंड सेक्शन ए से जो इंग्लिश का टॉपिक है, इन दोनों ही सेक्शन से, सेक्शन ए में तो 15 क्वेश्चन है ही इंग्लिश के, इस टॉपिक से अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये 2012 के पेपर का एनालिसिस है. ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स फेच करने या फिर आप फेच कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 डेज, पहले 20 दिन के बारे में बात करेंगे, फिर बाकी के बचे हुए 5 दिन के बारे में बात करेंगे. तो पहले 20 दिन आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 घंटे लगातार अपने ईयर मार्क कर लीजिए. ठीक है, ईयर मार्क करने का क्या मतलब है, सेट असाइड करके रख लीजिए कि इन 2-3 घंटे के अंदर, प्रॉब्ली 1 घंटे आपने इंग्लिश को दे दिया, प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चंस, कोई भी एक अच्छी बुक उठा लीजिए. मैं बुक्स की भी एक अलग वीडियो बना चुका हूं, जो भी चैनल पे अवेलेबल है उसको भी आप जाके देख सकते हैं. कोई भी अच्छी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जहां पे इंग्लिश में ग्रामर, एंटोनिम, सिनोनिम, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये टॉपिक्स है, उससे 1 से 1.5 घंटा निकाल के इंग्लिश को दे दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, और 1 से 1.5 घंटे आप दे दीजिए न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी प्रैक्टिस करने में. अगर आप बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो ऑलरेडी आपको अच्छे से ये सारे टॉपिक्स आते हैं, बट स्टिल बिकॉज देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल टू स्कोर गुड मार्क्स, तो इन दोनों टॉपिक्स को कम से कम 2 से 3 घंटे आपको रोज देने ही देने हैं. अगर आपको लगता है कि 10 दिन बाद आप प्रोफिशिएंट हो गए हैं या फिर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, तो फिर आप इस टाइम को रिड्यूस भी कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर डिस्क्रिप्शन. बट ये दो टॉपिक्स क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके पेपर के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ज्यादा आपके चांसेस अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बढ़ जाएंगे. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. अब बाकी क्या करना है, 2 से 3 घंटे तो हमने 20 दिन के अंदर इन दो टॉपिक्स को दे दिए, बाकी जो 10 टॉपिक्स हैं या अप्रोक्सीमेटली 9 टॉपिक्स बचे, ठीक है, 9 टॉपिक्स को आपको क्या करना है, 20 दिन के अंदर कवर करना है. ठीक है, अब इसमें अप्रोक्सीमेटली मैंने एक अप्रोक्सीमेशन से आपको 2 डेज पर टॉपिक कह दिया, क्योंकि सेक्शन बी में बेसिकली 10 टॉपिक्स हैं. ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट को अगर तोड़ दें हम, तो या फिर हम अगर अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तोड़ दें, क्योंकि वो दो एक ही सेक्शन में लिखा हुआ है, एक ही टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है, बट वो 2 अलग अलग सब्जेक्ट है. ये रीजन है कि क्यों मैंने 2 डेज पर टॉपिक को दिए हैं 20 दिन के लिए.
तो आप अप्रोक्सीमेटली एक टारगेट लेके चल सकते हैं कि रोज मुझे एक टॉपिक उठाना है, या लेट से आपने एक साथ दो टॉपिक उठा लिए अगर आप साइमल्टेनियसली चला रहे हैं, और दो दिन का टारगेट लेके आपको वो टॉपिक खत्म करना है। तो अगर आपने दो सब्जेक्ट साथ में उठाए हुए हैं तो आइडियली 4 दिन के अंदर आपका वो सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए, हो जाना चाहिए, मतलब दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाने चाहिए। इससे क्या होगा कि 20 दिन के अंदर आप पूरा का पूरा अपना जो सिलेबस है सेक्शन बी का, वो पूरा का पूरा रिवाइज कर पाएंगे या फिर पूरा गो थ्रू कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, और उसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको कवर करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। वेरस कुछ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेट्स से अगर मैं किसी प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में बात करूं, लेट्स से हिस्ट्री ले लिया मैंने, या फिर लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग, जहां पे सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां पे आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। तो वो आपको बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा, कोई रिजिड रूल नहीं है, बट यू आर स्मार्ट इनफ टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ योर टाइम। बट आइडियली टारगेट क्या करके चलना है कि 2 दिन के अंदर कम से कम में एक टॉपिक तो खत्म करना ही करना है। मुझे पता है सिलेबस ज्यादा है, टाइम कम है, बट स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप सिलेबस कवर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी क्या करना है, क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए बात कर रहा था, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको कि पहले आप वो टॉपिक्स उठा लीजिए जो कॉमर्स के टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होगा, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपने पढ़ा हुआ होगा, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चारों टॉपिक्स आपने पढ़े हुए होंगे, जिससे अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। टोटल मिला लूं अगर मैं इन 4 टॉपिक्स को, जिसको आपको कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपने एटलीस्ट इसको गो थ्रू किया होगा। अगर आपके पास आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक पड़ी हुई है तो पहले आप उसी से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक बार आपने उसको क्योंकि पढ़ा हुआ है, यू आर नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को पहले उठा सकते हैं, एंड देन यू कैन फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तो आइडियली 20 दिन की हमारी स्ट्रैटेजी क्रिएट हो गई कि 20 दिन के अंदर हमने अपना पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर अप कर दिया। ठीक है, दैट इज वन सेक्शन दैट यू हैव टू डू, हाउ यू कैन स्टार्ट एक्चुअली विथ योर प्रिपरेशन। अब देखिए, सिर्फ इन 20 दिनों के अंदर सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, बिकॉज सिर्फ पढ़ते जाओगे, इवैल्यूएट नहीं करोगे दैट वेदर आई एम डूइंग इट इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, क्या मेरी परफॉर्मेंस चल रही है, तो उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, लेट से कुछ बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे जिन्होंने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी होगी, हमने भी लगभग 1 साल से सेशन शुरू कर रखे हैं ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर के जब से नोटिफिकेशन आई होगी। तो अगर आपका सिलेबस कवर है, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द सिलेबस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीकेंड यूटिलाइज करके यू कैन टेक 1 full-fledged मॉक्स। ठीक है, हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है मॉक्स, इट्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, दैट इज anujindal.in, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 9999466225। उसके अंदर एक मॉक टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज का जो सेक्शन है वो आपको कल देखने को मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू सी इट टुमारो। ठीक है, तो कल आप उसको देख सकते हैं, यू कैन इनरोल इफ यू वांट। ठीक है, तो आपको साइमल्टेनियसली क्या करना है कि अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो एक फुल फ्लेजेड मॉक जरूर लगाइए। अब एक्सपीरियंस यहाँ पे गलती क्या होती है हमसे कि क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा सिलेबस है, हम मॉक तो लगा देते हैं लेकिन हम उसको थॉरली एनालाइज नहीं करते। नाउ व्हेन आई से दैट यू आर थॉरली एनालाइज इट, आपको क्या देखना है कि यार कौन सा सेक्शन है जो मेरा वीक पड़ रहा है, कौन सा सेक्शन है जिसमें मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। लेट से आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, या लेट से मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, वॉट एवर बी द टाइप ऑफ सेक्शन, यू विल हैव टू फाइंड सम एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा सा अपने शेड्यूल में से एक्स्ट्रा टाइम निकालिए और उस सिलेबस पे टाइम इन्वेस्ट करिए, बिकॉज अगर उस सब्जेक्ट के बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो आप यहाँ से मार्क्स फेच कर पाएंगे। तो आइडियली मॉक को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट यू कैन कीप इंप्रूविंग। सिर्फ क्वेश्चन लगाते रहोगे, सिर्फ रिवाइज करते रहोगे, सिर्फ मॉक्स लगाते रहोगे और आइडेंटिफाई नहीं करोगे दैट व्हाट आर द एरियाज ऑन व्हिच यू नीड टू वर्क अपॉन, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज एंड इंप्रूव अपॉन योर वीकनेस। ठीक है, तो पहले 20 दिन के अंदर अगर आपका सिलेबस कवर हो गया तो आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, अदरवाइज जल्दी से सिलेबस कवर कर लीजिए एंड देन यू कैन मूव टू द मॉक्स। तो आइडियली क्या होगा, पहले 20 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा अलॉन्ग विद द मॉक्स, अगर आपने सिलेबस कवर कर दिया। ठीक है, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इन द लास्ट 5 डेज, जो लास्ट 5 दिन आपके बचे होंगे, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कोशिश करनी, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हैं, एक बार आपने पूरा का पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लिया है, यू विल नॉट टेक मच टाइम। बाकी बचे हुए 5 दिनों के अंदर दोबारा से रिवाइज कर लीजिए एंड टेक एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल, जितने ज्यादा मॉक्स लगा सकते हो उतने ज्यादा मॉक्स लगा लेना और पूरे सिलेबस को दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करना, ताकि एटलीस्ट 2 बार आपने पूरा सिलेबस राउंड अप कर लिया। ठीक है, एंड दिस आई एम टेलिंग इट फॉर दोस स्टूडेंट्स हु हैव अ कॉमर्स और अ मैनेजमेंट बैकग्राउंड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में हु आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, दैट मींस या तो वो आर्ट साइड को बिलोंग करते हैं या फिर इंजीनियरिंग साइड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में वही करना है, सेम स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी फॉलोड,
कि पहले 20 दिन में आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे आपको स्पेंड करने हैं इंग्लिश और लॉजिकल एबिलिटी पे, ठीक है, और फिर बाकी जो 20 दिन है वो आपको देने हैं आपके सेक्शन बी के 10 टॉपिक्स जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। डिफरेंस सिर्फ यहां पे ये आएगा कि क्योंकि आप एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो अगर आप पहले ये टॉपिक्स उठाएंगे विच आर द टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स, दैट मींस मार्केटिंग, एचआर, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी एंड यू माइट टेक मोर टाइम। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है, कि आपको 10 टॉपिक्स में से किससे ज्यादा सवाल करने, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ज्यादा स्कोर मार्केटिंग में किया या फिर हिस्ट्री में किया या फिर आरटीआई में किया। तो आप पहले उन टॉपिक्स को उठाने की कोशिश करिए जो आपको लगता है कि यार इसको मैं जल्दी कवर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो जो नेशनल इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री के, मॉडर्न इंडिया के, वो सारे टॉपिक्स आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखे। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू पिक अप ऑन दोस टॉपिक्स सच एज हिस्ट्री, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स या फिर आरटीआई, जो भी टॉपिक्स, मतलब जो भी नॉन कॉमर्स या नॉन मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स हैं, उनको आप पहले उठा लीजिए और उसको कवर अप करने की कोशिश करिए, ठीक है। बट टारगेट वही रखना है कि 2 दिन के अंदर मेरा पूरा का पूरा सिलेबस एक सब्जेक्ट का खत्म होना ही होना चाहिए, तभी आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। एक और छोटी सी बीच बात जो मैं बीच में आपको बताना चाहूंगा, ये गलती मत करिएगा कि 10 टॉपिक्स हैं तो 10 में से मैं 8 पढ़ के चला जाता हूं, 2 छोड़ देता हूं, बिकॉज आपको नहीं पता कि जो टॉपिक्स आप 2 छोड़ के गए, हो सकता है क्योंकि बहुत साल बाद पेपर हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 साल बाद पेपर हो रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वेटेज वो चेंज कर दें और जो 2 टॉपिक आप छोड़ के गए हैं उसमें से ज्यादा सवाल आ जाए। तो डोंट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश इसलिए कहा गया है बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो 2 से 3 घंटे में प्रैक्टिस करने से उसकी सफिशियंट प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग सफिशियंट टाइम टू ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स एक्सेप्ट आरटीआई, क्योंकि वो अदरवाइज ही बहुत छोटा है, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको उसको छोड़ने को भी नहीं कहता, उसको कवर अप करिएगा, बट 2 से 3 घंटे के अंदर वो कवर कर लेना है, ठीक है, एंड देन यू कैन फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तो ये तो बात हो गई पहले 20 दिन के बारे में, एंड अब साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आपने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया है, कीप टेकिंग फुल फ्लेज्ड मॉक्स जो मैंने कॉमर्स वालों को बताया था, ठीक है, एंड साथ साथ कीप इवैल्यूएटिंग योर मॉक्स दैट वेयर यू आर मेकिंग द मिस्टेक। सेम स्ट्रेटजी, कोई स्ट्रेटजी में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कीप इंप्रूविंग, कीप एनालाइजिंग दोस मॉक्स एंड कीप इंप्रूविंग अपॉन योर वीकनेस, ठीक है। एक बार आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया, ठीक है, लास्ट 5 डेज के अंदर आपको क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन, थोरो रिवीजन जिसे हम कहते हैं, एंड टेक एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। जितने मॉक्स आप लगा सकते हो उतने मॉक्स आपको प्रैक्टिस कर लेने, जितने ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एनालाइजिंग दीज मॉक्स, ठीक है। सो दैट वॉज द स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आए, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करे आपके सिलेबस को टाइमली कवर करने में, एंड यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। That was all about this particular video. कोई भी डाउट है, let me know in the chat box, let me know in the comment section. और course related कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी website anujindal.in पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं on the number 9999466225, ठीक है। That was all about this particular video. Thank you and keep preparing. Take care.